अलता शब्द पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए, तैसा पुन एक गुर सिख को नवाए का। ये भाई गुरदास जी की वारा विचों शब्द है। पंच बार गंग जाए, हे मनुख जेकर तू पंच बार गंगा विच इशनान करे उत्थे जाए, ते पंच बार प्राग विच नाए, ते उन्ना ही पुन तैनू एक गुरसिख नू नवान दा मिलेगा, अर्थात एक गुरसिख दी मदद करन दा मिलेगा। अगर तू उन्नू इशनान दी समगरी दे ता उन्ना ही पुन तैनू सिर्फ उस इशनान दी समगरी देन दा ही मिल जाएगा। गंगा ते प्रयाग ते जाके इशनान करन दी लोड़ नहीं, किसी गुरसिख दी मदद कर। सिख को पिलाए पानी पाओ कर कुरखेत, अश्वमेध जग फल सिख को जीवाए का। अगर तू किसी गुरसिख नू किसी भी दीन नू पानी पिलाएगा पाओ करके, ता कुरखेत जिन्ना फल है ते अश्वमेध जग दा जो भी फल है वो एक सिख नू खाना खिला के या लंगर प्रसादा देकर उन्ना ही फल है। जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने, अजकल साढ़े पंथ का जोर बहुत ज़्यादा इस गलते हैगा कि गुरुद्वारे सोने दे बनाइए, पालकी साहब सोने दी होवे, इशनान साहब निशान साहब ते खंडा सोने दा लग्या होवे, जबकि गुरु साहब भाई गुरदास जी दे मुख तो ये उचरवा रहे ने कि जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने, अगर तू सत मंदर सोने दे बना के दान दे दिंदा है, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। तू सत मंदर सोने दे दान देन दी जगह ते किसी सिख नू किसी दीन नू किसी नू भी एक शब्द सिखा, उदे अर्थ समझा, उदे सामना जीवन जीन दी सिख्या दे। जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, तैसा फल सिख को चाप पग सुआए का। अगर किसी साध दे तू 20 बार दर्शन करन नू जानदा है ते तैसा ही फल तैनू एक थके हुए पैरां नाल तुरदे हुए सिख दे पग कुटन नाल मिल जाएगा। गुरु साहब हर इस एग्जाम्पल विच यही दस रहे ने कि कर्म कांड विच पैन दी थां ते अपने जीवन नू सुधार, किसे नू पानी खिला दे, किसे नू खाना खिला दे, किसे नू गुरबाणी नाल जोड़ दे, किसी दा जीवन उच्चा कर दे, किसे नू आचार दी सिख्या दे दे, किसे नू किसे दे थके हुए दी मदद कर दे, यही गुरु साहब सिखांदे ने ते यही साडे जीवन दी जीन दी दिशा होनी चाहिए। ना कर कि सोने दे मंदर दान देने, तीरथ इशनान करन जाना, उसके अलावा सानू अपने कैरेक्टर नू अपने जीवन नू उच्चा सुच्चा करन दी लोड़ है। आओ हुण मिलके सब मिलके शब्द पढ़िए, उन शब्द दे अर्थ भी सानू सारिआं नू पता ने, ते कृपा करके सारे जुड़ के शब्द पढ़ांगे।